हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जेटकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मुझे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने वी टेम हाफ की थी, पार्ट वन आया था उसका। आज हम ये एमएस ऑफिस कंप्लीट कर देंगे। बच्चे रिप्लाई नहीं करते, आंसर नहीं देते बिल्कुल भी। हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसका रिप्लाई नहीं करते, कमेंट नहीं, तो हम यही समझेंगे कि आप वीडियो वॉच नहीं कर रहे। तो प्लीज, वीडियो आपके लिए बनाई गई है, आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई है कि आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और पूरी डिटेल्स में हर टॉपिक कराए गए हैं। तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को आगे शेयर करना, आपके फैमिली मेंबर्स को शेयर करना, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। चलते हम आगे पार्ट टू में, व्यू टैब में। न्यू विंडो क्या होती है? कि आपने लास्ट वीडियो में पेज की भीड़ तक किया था। न्यू विंडो क्या होती है? जैसे आपने एक विंडो खोल रखी है, एक टैब डाटा लिख रखा है, तो इसमें न्यू विंडो का मतलब होता है इसी के एक सेम विंडो और खुल जाएगी, इसकी दो कॉपी हो जाएंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, वर्ड में नीचे एक ही विंडो खुली हुई है। जैसे ही मैं न्यू विंडो पर क्लिक करूंगी, न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो विंडो पर नीचे देखेंगे आप, टास्क बार पर दो विंडो आपको शो होगी। एक बताएगा कि 1.1 ये ओरिजिनल है, इसका दूसरा पार्ट 1.2, जो भी आप ओपन करेंगे सेम एज इट इज आपकी ओपन हो जाएगी। और बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अगर कोई भी डाटा अगर उसमें लिखा हुआ है, तो सेम एज इट इज उसमें भी लिखा आएगा। आपने जो दो विंडो ली थी जो सेम आई है, आप उन दोनों को अरेंज करना चाहते हैं साइड बाय साइड, तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे। देखो, दोनों विंडो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो गई। अगर मैं किसी भी एक ही विंडो पर काम करना स्टार्ट कर दूंगी, तो वो दोनों विंडो पर रन करेगा, क्योंकि सेम विंडो है और दोनों में सेम वर्क होगा। नेक्स्ट आता है, इसके बाद एक को आप मैक्सिमाइज कर दो। स्प्लिट का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से स्क्रीन को अलग करना चाहते हैं, तो स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, ये दो पार्ट में आपकी विंडो डिवाइड हो जाएगी। जहां से करना है, जैसे मैंने यहां से करना है, तो मैंने यहां से क्लिक कर दिया बस, तो वहीं से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आप जहां पर भी काम करना चाहते हैं, वहां पर इजीली काम कर सकते हैं। ये भी दोनों सेम चलेंगे। नेक्स्ट आता है रिमूव स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब अलग करना। पहले आपने लिया था, अगर ऐड करनी थी विंडो कहीं से भी, तो अपनी चॉइस से आप कर्सर रख के ऐड कर सकते थे। रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको एक बना सकते हो, एक ही स्क्रीन एक ही विंडो आपकी अवेलेबल रहेगी। आपने जो दो विंडो ली थी सेम, आप उसको साइड बाय साइड फिर चलाना चाहते हैं, वो साइड में दिखाई दे जाएगी आपकी। अगर सेम एज इट इज मैं काम कर रही हूं, तो दोनों में काम सेम चलेगा। अगर मैं एक स्क्रॉल करती हूं, यहां से मैं अगर एक स्क्रॉल कर रही हूं, तो दोनों स्क्रॉल हो रही है हमारी। मैं चाहती हूं कि एक ही स्क्रॉल हो जिसपे मैं काम करूं, तो यहां पर स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, साइड बाय साइड से बिल्कुल नीचे स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, इसको बंद कर दोगे आप। फिर मैं यहां से क्लिक करूंगी, अब मैं स्क्रॉल करके देखूंगी, जिस पर भी कर्सर है वही स्क्रॉल हो रहा है। आप एक को मैक्सिमाइज कर दो, तो आपके ऑप्शन क्या है, वो साइड वाली विंडो बंद हो जाएगी और जो ये ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, ये रहे स्क्रॉलिंग वाले ऑप्शन। रीसेट सेम एज इट इज, सेम पोजीशन लेनी है जैसे आपने पहले ली थी। ये ऑप्शन सारे तभी चलेंगे जब आप एक दो विंडो अवेलेबल रहेगी, सिंगल विंडो में कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा। स्विच विंडो, आपने कितनी फाइल ओपन की हुई है? हमने दो विंडो ओपन कर रखी है, आप जो उनसे ओपन करना चाहते हो सेम एज इट इज दोबारा आपके साथ स्क्रीन में साथ में साइड में शो हो जाएगी आपको। नेक्स्ट आता है इसके बाद मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। जैसे कि मैंने मैक्रो पर क्लिक करा, रिकॉर्ड पर क्लिक करा, यहां पर आप नाम दे दो मैक्रो वन, ओके कर दो। जैसे मैं ओके करूंगी, तो एरो के नीचे रिकॉर्डिंग का साइन आएगा। जो भी डाटा मैं लिखूंगी, ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा रिकॉर्ड हो रहा है? तो मैंने एंटर किया, मैं इसको स्टॉप करूंगी पहले। अगर आप पॉज करना चाहते हो तो पॉज कर सकते हो, थोड़ी देर के बाद वापस आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो रिकॉर्डिंग को। मैंने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मैं व्यू में गई, मैं देखना चाहती हूँ मैंने क्या रिकॉर्ड किया। व्यू में जाने के बाद मैक्रो वन नाम, जिस नाम से आपने सेव किया है, आप रन करेंगे तो आपको दोबारा वो शो करेगा जो आपने रिकॉर्ड किया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स तक भी आप शेयर करो, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपके पास जैसी वीडियो हमारी अपलोड हो जाती है, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।
जैसे कि आज हमारा एमएस ऑफिस का फर्स्ट पार्ट जो कि एमएस वर्ड आज कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट का बीच में भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, तो आपका आंसर जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स में करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैट किंग को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।